रुख करेंगे क्लोरकोट का, जहां पे ईद उल अजहा की आमद है। मवेशी मंडियां सज गई हैं। शहरी सुन्नत इब्राहिम को पूरा करने के लिए जानवर खरीदने में मसरूफ है। इस हवाले से मजीद तफसीला जानेंगे वकास खालिद से। जी वकास बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद उल अजहा करीब है और जो मंडियां हैं मुल्क भर की तरह क्लोरकोट में भी मंडी मवेशियों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ जगहों पे मंडी मवेशियां लगाई जा रही हैं और आज मैं क्लोरकोट की ही एक ऐसी मंडी मवेशियों में मौजूद हूं जहां पे बहुत ज्यादा जानवर नजर आ रहे हैं। बकरे, बैल, गायें और जो दीगर जानवर हैं वो नजर आ रहे हैं। और जो अगर मैं खरीदारों की बात करूँ तो खरीदार काफी तादाद में नजर तो आ रहे हैं, मगर अगर खरीदारी की बात की जाए तो हमारी खरीदार से बात हुई तो उनका कहना था कि इस दफा जो जानवर के रेट्स हैं वो इतने ज्यादा हैं कि समझ नहीं आ रही कि जानवर को कैसे खरीदा जाए। और अगर बात की जाए व्यापारियों की तो उनका कहना है कि जो हमारे अखराजात हैं चाहे वो ट्रांसपोर्ट्स के हों या जानवरों को यहां तक लाना हो या फिर घास हो, जो दीगर अखराजात हैं वो इतने ज्यादा हैं कि हमें मजबूरन ये दाम मांगने पड़ रहे हैं। तो मजबूरी तौर पर अगर मैं क्लोरकोट की इस मंडी की बात करूं तो काफी तादाद नजर आती है, लेकिन खरीदार। बहुत शुक्रिया वकास खालिद, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए।